नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके न्यूट्रिशनिस्ट राखी तोरणकर। सबसे पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी दिवाली। फेस्टिवल मतलब सेलिब्रेशन विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ऐसे टाइम पे बाहर खाना, मिठाइयाँ खाना, फ्राइड फूड खाना, ये सब चीजें होती ही है। हमारे घर में भी कई तरह के पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, नमकीन बनते हैं। जैसे मेरे घर में बने हैं चकली, चिवड़ा, लड्डू, गुजिया, बहुत सारी चीजें। और ये सब के मजे हमें डेफिनेटली लेनी चाहिए। लेकिन इन सब के मजे लेते वक्त हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हम बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन ना करें, राइट? और इन सब के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल शो ईट स्मार्ट एंड यू मस्ट बैलेंस इट आउट। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए स्पेशल लेके आई हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ टिप्स ऑन हाउ टू ईट हेल्दी एंड स्मार्ट ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर वन, डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट। सुबह का नाश्ता आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्चेस दैट शोज जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते हैं वो लोग पूरे दिन में अनोइंगली ज्यादा कैलोरी की चीजें खाते हैं या ज्यादा क्वांटिटी ऑफ चीजें खाते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्थफुल ब्रेकफास्ट होना चाहिए, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, वाटर और सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट में पोहा खा रहे हो तो पोहा आपको देंगे कार्बोहाइड्रेट। आपने उसमें अगर स्प्राउट डाल दिया तो उससे मिलेगा आपको प्रोटीन, या आपने उसमें ग्राउंड नट्स डाल दिए तो आपको मिलेंगे प्रोटीन एंड गुड फैट। थ्रो ऑफ सम कैरेट्स इन इट दैट विल एड अप योर फाइबर्स। थ्रो ऑफ सम कोरिएंडर इन इट दैट इज गोइंग टू एड अप योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह आपका ये पूरी की तरह से बैलेंस मील हो जाता है। इस तरह का हेल्दी एंड कम्प्लीट ब्रेकफास्ट हमारे शुगर लेवल को स्टेबिलाइज रखता है। इससे हमें दिन भर क्रेविंग ज्यादा नहीं आती है और इससे ओवर ईटिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। टिप नंबर टू, ईट बिफोर यू स्टेप आउट। मतलब घर से बाहर निकलने से पहले आपको थोड़ा स्नैक्स करके जाना है। थोड़ा सा स्नैक्स मतलब क्या? जैसे एक कटोरी स्टीम स्प्राउट्स हो गए, या एक कटोरी दही हो गया, या एक फुल बॉइल्ड एग हो गया, या टू एग व्हाइट्स हो गए, हैंडफुल ऑफ मखाना या हैंडफुल ऑफ चने हो गए। ये थोड़ा सा जो स्नैक्स होता है ना, हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये थोड़े थोड़े स्नैक्स की वजह से हमारी जो छोटी छोटी भूख होती है ना, वो काफी अच्छे से मिट जाती है और इसके वजह से हमें क्रेविंग्स नहीं आती है और ओवर ईटिंग नहीं होता है। इसीलिए आज के बाद जब भी आप बाहर निकलेंगे शॉपिंग के लिए, मूवी के लिए या किसी के घर पे जाने के लिए, हमेशा थोड़ा सा नाश्ता करके निकलिए। टिप नंबर थ्री, नेवर स्किप योर मील्स। कई बार क्या होता है ना, जब भी हमें कोई डिनर पार्टी के लिए या बाहर डिनर के लिए जाना होता है, व्हाट डू वी ऑल डू? आज मैं सुबह लंच नहीं करूंगा ताकि मैं रात को जो चाहिए जितना चाहिए खा सकूं, है ना? हम में से कई सारे लोग ऐसे करते हैं। हमें लगता है कि हम इससे कैलोरी बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन लंच या ब्रेकफास्ट स्किप करके बहुत ज्यादा या बहुत हेवी कैलोरी ना खाना एकदम पथेटिक आइडिया है। और ये कई बार बहुत बुरी तरीके से बाउंस बैक करता है। स्किपिंग मील्स मेक्स अस फील ब्लोटेड, मेक्स अस फील हैवी, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी हमें ज्यादा क्रेविंग्स आती है और अननोइंगली हम बहुत ज्यादा हाई कैलोरी वाली चीजें खाते हैं। इंस्टेड अगर आप दिन भर आपके रेगुलर मील्स खाओगे तो उससे आपकी ब्लड शुगर काफी इजिली स्टेबलाइज हो जाती है, जिनसे क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप ओवर ईटिंग इजिली कंट्रोल कर सकते हो। टिप नंबर फोर, डू नॉट स्किप योर एक्सरसाइज। हम सभी को एक्सरसाइज के हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे से पता है। सो फेस्टिवल हो या रेगुलर डेज, एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या बॉडी को एक्टिव करते हैं, हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हम हेल्दी खाना चूज करते हैं ओवर द अनहेल्दी फूड। और जब हम हमारा एक्सरसाइज रूटीन रेगुलर फॉलो करते हैं, दैट मोटिवेट अस टू फॉलो हेल्दी डाइट।
it makes us feel good about our own self. So do not skip your exercise. ऐसे festive season में best time to do exercise is your morning time. मॉर्निंग में सुबह सुबह आपका एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, फिर पूरे दिन आप फ्री हो आपका फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए. टिप नंबर 5, टेक स्मॉल हेल्पिंग्स. डोंट डिप्राइव योरसेल्फ फ्रॉम योर फेवरेट फूड. इससे हमें क्रेविंग और ज्यादा बढ़ती है. इंस्टेड ट्राई टेकिंग स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ इट. आप देखोगे कि ये छोटी छोटी हेल्पिंग या छोटा सर्विंग आपके फेवरेट फूड की आपको बहुत सेटिस्फाई करके जाएगा, rather than over-indulging in it and then later feeling guilty about it. So, enjoy your favorite meals, enjoy your favorite snacks, but moderation is the key. Enjoy it in a small helpings. Tip number 6, do not skip your vegetables and fruits. हमारे सभी meals में काफी सारे vegetables होना जरूरी है. In the form of sabzi, ya salad, ya kachumbar, ya vegetable juice, and we must take at least one seasonal fruit every day as in between meal. So even if it is a festive season, do not skip your salad, do not skip your fruit. Inse aapko cravings kafi had tak kam ho jayegi. Tip number 7, keep an eye on your drinks. जब भी हम किसी पार्टीज में जाते हैं या किसी घर पे जाते हैं, हमें कई तरह के ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं. इट कुड बी अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक. जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है, शरबत है, अलग अलग तरह से कॉकटेल्स, मॉकटेल्स है. लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि ये ड्रिंक्स बहुत हाई कैलोरी होते हैं, बहुत शुगर कॉन्टेंट होता है इन ड्रिंक्स में, और ये हमारा वेट पुट ऑन करते हैं. इसीलिए ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ बेवरेजेस. इंस्टेड ट्राई द हेल्दियर ऑप्शंस. जैसे नारियल पानी है, सत्तू का पानी है, छाछ है, बटर मिल्क है या लेमन वाटर है. टिप नंबर 8, लिमिट योर एल्कोहल इनटेक. द बेस्ट इज टू अवॉइड इट. एल्कोहल इज फैटनिंग और एल्कोहल के साथ आप कोई भी हेल्दी फूड खाओगे तो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है. तो आप जो भी चीजें खाने वाले हो इसका वैल्यू होता है 0. इसीलिए एल्कोहल अवॉइड कीजिए. अगर लेना ही है तो बहुत कम से कम क्वांटिटी में लीजिए. उसके साथ जूसेस, कोल्ड ड्रिंक मिक्स करना अवॉइड कीजिए. मैक्स और द बेस्ट ऑप्शन वुड बी यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाइन. टिप नंबर 9, ईट अंटिल यू आर नो मोर हंग्री, नॉट अंटिल योर स्टमक इज स्टफ्ड. मतलब हमें जितनी भूख है उतना ही खाना है, पेट भरने तक ठूसना नहीं है. इसलिए एक ही छोटी सी टिप हमेशा फॉलो कीजिए. आपका पेट हमेशा 20-25% खाली रहना चाहिए ताकि आपका ओवर ईटिंग ना हो. टिप नंबर 10, ईट माइंडफुली. मतलब यूज ऑल योर सेंसेस व्हाइल ईटिंग द फूड. सिट डाउन व्हाइल ईटिंग द फूड. चू योर फूड थरोली. स्लोली खाओ. देखो कितने ब्यूटीफुल कलर्स है उसमें. वो खाने की खुशबू लो. बी ग्रेटफुल फॉर योर फूड. इन सबसे हमारा ब्रेन, हमारा माइंड बहुत सेटिस्फाई होता है. और इससे क्या होता है, इससे हमें क्रेविंग्स नहीं आती है और इससे ओवरईटिंग नहीं होता है क्योंकि आपका मन खुश हो जाता है. टिप नंबर 11, स्टे हाइड्रेटेड. With all this yummy food around, हम कई बार पानी पीना भूल ही जाते हैं और फिर रात को हमें याद आता है, अरे मैंने तो दिन में 3 ही ग्लास पानी पिया है, right? हम में से कई लोग ये फेस करते हैं. So make sure कि ये festive season में आप अच्छा खासा पानी पी रहे हो, क्योंकि अगर आप पानी sufficient नहीं पियोगे, हमारा brain थर्स्ट एंड हंगर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आएंगी और ऑटोमेटिकली आप हाई कैलोरी फूड और ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड खाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ सफिशियंट वाटर थ्रू आउट द डे. कीप रिमाइंडर्स फॉर योर वाटर इनटेक. पानी के अलावा आप हेल्दी फ्लूइड्स भी ले सकते हो, जैसे नारियल पानी है, छाछ है, बटर मिल्क है, सत्तू का ड्रिंक है, लेमन वाटर है. बट द पॉइंट इज यू शुड बी वेल हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे. टिप नंबर 12, लेट्स बी रियलिस्टिक. लेट्स फेस इट, दिस इज नॉट द बेस्ट सीजन टू लूज वेट.
at least when someone is offering you lots of laddus, gujiyas and chaklis, right? हमें सिर्फ वेट मेंटेन करने के लिए एम करना है. दैट्स द ओनली मिशन दैट्स पॉसिबल फॉर राइट नाउ. सो ईट गिल्ट फ्री, एंजॉय ऑल योर फेवरेट स्नैक्स, फेवरेट डेजर्ट्स, बट चूज वाइजली. फॉलो ऑल दीज टिप्स. इट विल रियली हेल्प यू टू अवॉइड ओवर ईटिंग, येट एट द सेम टाइम टू एंजॉय योर फेवरेट डेलिकसीज. लास्ट में मैं आपको एक सिंपल टिप दूंगी, स्पेशली फॉर डेजर्ट्स. ये जो हमारे रेगुलर डेजर्ट्स है ना, जैसे आइसक्रीम या कुल्फी, इनको अवॉइड कीजिए. इंस्टेड ये जो फेस्टिवल टाइम में स्पेशल ट्रेडिशनल डेजर्ट्स या ट्रेडिशनल नमकीन या चीजें जो बनती है ना, उनको सेवर कीजिए. सो गाइज, एंजॉय योर दिवाली एब्सोल्युटली गिल्ट फ्री. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली.